हाय फ्रेंड्स, कोई भी भाषा आप सीखते हैं प्रोनाउंसिएशन सीखना बहुत जरूरी है, वो भी कन्नड़ भाषा में प्रोनाउंसिएशन सीखना बहुत जरूरी है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, कन्नड़ भाषा में जो भी हम पढ़ते हैं लिखते हैं किताबी वर्षन, जो भी हम बात करते हैं स्पोकन वर्षन में अंतर है, एक्सेंट में अंतर है, प्रोनाउंसिएशन में अंतर है, इसलिए आपको प्रोनाउंसिएशन सीखना बहुत जरूरी है। एक व्यूअर ने कमेंट किया है, दीपक सिंह, आई वॉज रियली डिलाइटेड टू डिस्कवर योर चैनल। I was searching for good Kannada lessons for some time. Your videos are very clear and your explanation of pronunciation is priceless. Thank you. Thank you so much, Deepak Singh. Thank you so much for your lovely comment. Pronunciation bahut important hai. Aur ek viewer ne comment kiya hai. Madam, aati hai kya? Is it Bharata or Baruta? Same way, aati hai Bharate और बरुते, बिकॉज इन सम चैनल टीचिंग आती है एस बरते एंड आती है क्या एस बरत्ता, आती है एस बरते, आती है क्या एस बरत्ता। इनर चैनल शी इज ऑल्सो टीचिंग इंग्लिश में एस इंग्लिश दल्ली, हिंदी में एस हिंदी दल्ली। प्लीज क्लैरिफाई एस आई डोंट वॉन्ट टू लर्न रॉन्ग थिंग्स बिकॉज pronunciation is very important in any language. Please, please, please clarify in your video. आज हम सीखते हैं आती है क्या या आता है क्या। जैसे कन्नड़ भाषा आती है क्या, खाना बनाना आता है क्या, ड्राइविंग आती है क्या, आती है क्या बरुता बोलते हैं, बरत्ता नहीं बोलते हैं, बरत्ता कोई वर्ड कन्नड़ में नहीं है। इसी तरह आती है, कन्नड़ भाषा आती है, ड्राइविंग आती है, खाना बनाना आता है, आता है या आती है इसको बरुते बोलते हैं, बरत्ते नहीं बोलते हैं, बरत्ता बरत्ते कोई वर्ड कन्नड़ में नहीं है, ये दोनों रॉन्ग है। आती है क्या इसको बरुता बोलते हैं, आती है इसको बरुते बोलते हैं। इसी तरह इधर इंग्लिश में इंग्लिश दल्ली ये रॉन्ग है, इंग्लिश में इंग्लिश दल्ली नहीं बोलते हैं, इंग्लिश नल्ली बोलते हैं। हिंदी में हिंदी दल्ली नहीं बोलते हैं, हिंदी यल्ली बोलते हैं। इंग्लिश नल्ली हिंदी अली ये करेक्ट है, इंग्लिश दल्ली हिंदी दल्ली दोनों रॉन्ग है। सब में हम दल्ली का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मे को हम उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, जिस वर्ड के साथ हम मे जुड़ रहे हैं उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम मे को नल्ली दल्ली यल्ली रली का इस्तेमाल करते हैं। हम ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं, मे को हम दल्ली नल्ली यल्ली रली का इस्तेमाल करते हैं। यदि इस वीडियो को आप नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हैं। इधर बरत्ता रॉन्ग है, बरत्ते रॉन्ग है, इंग्लिश दल्ली रॉन्ग है, हिंदी दल्ली रॉन्ग है। आप जो भी सीखेंगे फर्स्ट स्टेप में सही सीखना है, गलत नहीं सीखना है, इधर चारों गलत है। आइए हम इन डिटेल सीखते हैं। आती है क्या या आता है क्या, कोई भी चीज आती है क्या, आता है क्या, जैसे भाषा आती है क्या, ड्राइविंग आती है क्या, खाना बनाना आता है क्या, इधर आती है क्या या आता है क्या इसको बरुत्ता बोलते हैं, बरुत्ता, बरत्ता नहीं बोलते हैं, बरुत्ता। आती है, आती है या आता है, भाषा आती है, ड्राइविंग आती है, खाना बनाना आता है, इधर आता है या आती है बरुत्ते बोलते हैं, बरत्ते नहीं बोलते हैं, इधर बरत्ता नहीं बोलते हैं। जब प्रश्न पूछते समय आता है क्या या आती है क्या, बरत्ता नहीं बोलते हैं, बरुत्ता बोलते हैं। उत्तर बोलते समय आती है इसको बरुते बोलते हैं, बरत्ते नहीं बोलते हैं। आपको कन्नड़ भाषा आती है क्या, इधर आपको निमगे कन्नड़ भाषा, कन्नड़ भाषे, इधर भाषा कन्नड़ में भाषे बोलते हैं, भाषे। आती है क्या, बरुत्ता। आपको कन्नड़ भाषा आती है क्या, निमगे कन्नड़ भाषे बरुत्ता, इसको हम बात करने का फ्लो में लोकल एक्सेंट में बोलते हैं, निमगे कन्नड़ भाषे बरुत्ता, निम्गे कन्नड़ भाषे बरुत्ता। अब बोलेंगे मुझे नहीं आती है, मुझे ननगे नहीं आती है इसको बरला बोलते हैं। किताब वर्षन में बोलना है बरुदिल्ला बोलते हैं, बरुदिल्ला। हम स्पोकन में नहीं आती है या नहीं आता है इसको बरला बोलते हैं। मुझे नहीं आती है ननगे बरला, मुझे कन्नड़ भाषा नहीं आती है ननगे कन्नड़ भाषे बरला, मुझे ड्राइविंग नहीं आती है ननगे ड्राइविंग बरला, मुझे खाना बनाना नहीं आता है ननगे अड़गे माड़ोदु बरला बोलते हैं। खाना बनाना अड़गे माड़ोदु ननगे अड़गे माड़ोदु बरला, इधर
नहीं आता है या नहीं आती है बरला, मुझे नहीं आती है ननगे बरला, मुझे ठीक से नहीं आती है इधर मुझे ननगे ठीक से, इसको सरियागी बोलते हैं, सरियागी बोलते हैं, सरियागी नहीं बोलते हैं, सरियागी। ठीक प्रोनाउंसिएशन सीखना है, ठीक प्रोनाउंसिएशन, सरी प्रोनाउंसिएशन आपको सीखना है। सरियागी बोलते हैं, सरियागी नहीं बोलते हैं। नहीं आती है या नहीं आता है, कोई भी चीज नहीं आती है या नहीं आता है इसको बरला बोलते हैं। ठीक से नहीं आती है सरियागी बरला, मुझे ठीक से नहीं आती है ननगे सरियागी बरला, इसको हम बात करने का फ्लो में लोकल एक्सेंट में बोलते हैं ननगे सरियाग बरला, ननगे सरियाग बरला। मुझे थोड़ा थोड़ा आती है, मुझे ननगे थोड़ा थोड़ा, थोड़ा कन्नड़ में स्वल्पा बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा स्वल्पा स्वल्पा आती है बरुते, मुझे थोड़ा थोड़ा आती है ननगे स्वल्प स्वल्प बरुते, इसको हम बात करने का फ्लो में बोलते हैं ननगे स्वल्प स्वल्प बरुते, ननगे स्वल्प स्वल्प बरुते। मुझे थोड़ा समझ में आती है कन्नड़ भाषा, मुझे थोड़ा समझ में आती है इधर मुझे ननगे थोड़ा स्वल्प समझ में आती है, इधर समझ कन्नड़ में अर्थ बोलते हैं, समझ में आती है अर्थ आगुते, कन्नड़ भाषा समझ में आती है कन्नड़ भाषे अर्थ आगुते बोलते हैं, अर्थ आगुते। मुझे थोड़ा समझ में आती है ननगे स्वल्प अर्थ आगुते, थोड़ा भी समझ में नहीं आती है कन्नड़ भाषा, थोड़ा भी समझ में नहीं आती है इधर थोड़ा भी, थोड़ा स्वल्प बोलते हैं इधर बी अम ऊ मात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा भी स्वल्पनु ऐसे भी कूड़ा का भी इस्तेमाल करते हैं, इधर आप कूड़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा भी आप स्वल्प कूड़ा भी बोल सकते हैं, स्वल्पनु बोल सकते हैं, इधर बड़ी ऊ मात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा भी स्वल्पनु अथवा स्वल्प कूड़ा। समझ में नहीं आती है समझ अर्थ बोलते हैं, इधर समझ में नहीं आती है अर्थ आगला बोलते हैं, इधर नहीं आती है बरला का इस्तेमाल नहीं करते हैं, समझ में नहीं आती है अर्थ आगला, इधर आगला का इस्तेमाल करते हैं, समझ में नहीं आती है अर्थ आगला, थोड़ा भी समझ में नहीं आती है स्वल्पनु अर्थ आगला बोलते हैं, स्वल्पनु अर्थ आगला अथवा स्वल्प कूड़ा अर्थ आगला। क्या अभी बस आएगी, अभी ईगा बस आएगी क्या इधर बरुत्ता, आएगी क्या बरुत्ता, क्या अभी बस आएगी ईगा बस बरुत्ता, इधर बरुत्ता बोलना है बरत्ता नहीं बोलना है, ईगा बस बरुत्ता अभी आएगी, बस अभी आएगी, अभी ईगा आएगी बरुते, अभी आएगी ईगा बरुते, बस अभी आएगी बस ईगा बरुते, ऑटो अभी आएगी ऑटो ईगा बरुते, ट्रेन अभी आएगी ट्रेन ईगा बरुते बोलते हैं। इधर क्या अभी बस आएगी ईगा बस बरुता, क्या अभी ट्रेन आएगी ईगा ट्रेन बरुता, टैक्सी आएगी टैक्सी बरुता, ऑटो आएगी ऑटो बरुता, अभी आएगी ईगा बरुते बोलते हैं, ईगा बरुते बस अभी आएगी बस ईगा बरुते। इंग्लिश में इंग्लिश नल्ली बोलते हैं, इधर में हम नल्ली का इस्तेमाल कर रहे हैं, दल्ली का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हिंदी में इधर हिंदी अली, इधर में हम यली का इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर दल्ली का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। में को हम हमेशा दल्ली का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम वाक्य के हिसाब से जिस शब्द के साथ हम में जोड़ रहे हैं उस शब्द के उच्चारण के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम कभी दल्ली कभी नल्ली कभी यल्ली कभी रली का इस्तेमाल करते हैं, कभी दल्ली नल्ली यल्ली रली का इस्तेमाल करते हैं। इधर इंग्लिश में इंग्लिश नल्ली, हिंदी में हिंदी यल्ली, कन्नड़ा में कन्नड़ दल्ली, इधर में नल्ली इधर में यल्ली इधर में दल्ली का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंग्लिश में इंग्लिश नल्ली, हिंदी में हिंदी अल्ली, कन्नड़ा में कन्नड़ दल्ली, कन्नड़ा में बात करो कन्नड़ा में कन्नड़ दल्ली, बात करो माताड़ू कन्नड़ा में बात करो कन्नड़ माताड़ू, इसको हम बात करने का फ्लो में बोलते हैं कन्नड़ माताड़ू कन्नड़ माताड़ू। इंग्लिश में बात करो इंग्लिश में इंग्लिश नल्ली, बात करो माताड़ू इंग्लिश में बात करो इंग्लिश नल्ली माताड़ू, इसको हम बात करने का फ्लो में बोलते हैं इंग्लिश नल माताड़ू इंग्लिश नल माताड़ू। हिंदी में बात करो हिंदी में हिंदी अली, बात करो माताड़ू हिंदी अली माताड़ू, इसको हम बात करने का फ्लो में बोलते हैं हिंदी अल माताड़ू। कन्नड़ दल माताड़ू इंग्लिश नल माताड़ू
हिंदी मातो, इधर बोलते समय लास्ट ई मात्र जो है आप स्किप कर सकते हैं। कन्नडदल मातो, कन्नड में बात करो कन्नडदल मातो, इंग्लिश में बात करो इंग्लिश नल मातो, हिंदी में बात करो हिंदी मातो, तमिल में बात करो इधर तमिल में तमिल नली में नली का इस्तेमाल करते हैं तमिल नल मातो, मलयालम में बात करो मलयालम में मलयालम नली, इधर भी मैं हम नली का इस्तेमाल करेंगे मलयालम नली मातो, मराठी में बात करो इधर मराठी में इधर मैं हम यली का इस्तेमाल करते हैं मराठे में मराठी यली मातो। इन दोनों में से कौन सा चाहिए, सामने में दो चीज है, इन दोनों में से कौन सा चाहिए, इन दोनों में से, इन हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं इसलिए इधर ई का इस्तेमाल करते हैं, दोनों चीजों को स्पेसिफाई कर रहे हैं इसलिए इन ई दोनों में से, दो एरडो बोलते हैं दोनों में से, जब हम वस्तु या चीज के बारे में बात कर रहे हैं दोनों में से एरडा रली बोलते हैं। कौन सा चाहिए इधर कौन सा याउदू चाहिए बेको, कौन सा चाहिए याउदू बेको, इन दोनों में से कौन सा चाहिए, ये एरडा रली याउदू बेको, इसको हम बात करने का फ्लो में बोलते हैं ये एरड रली याउद बेको, ये एरड रली याउद बेको, सामने में दो ड्रेस है या साड़ी है इन दोनों में से कौन सा चाहिए, ये एरड रली याउद बेको बोलते हैं, ये एरड रली याउद बेको, इसको हम बात करने का फ्लो में बोलते हैं ये एरड रली याउद बेको, ये एरड रली याउद बेको। आप उत्तर में बोलेंगे कोई भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, इधर कोई भी याउदू, इधर भी हम बड़ी उमात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं, भी हम कूड़ा या बड़ी उमात्रा का इस्तेमाल करते हैं, इधर कोई भी याउदू, इधर देखिए कौन सा चाहिए इधर कौन सा याउदू, इधर छोटी उमात्रा याउदू, कोई भी जब बोलना है याउदू, इधर वस्तु चीज के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए कोई भी याउदू, नहीं चाहिए बेड़ा, कोई भी नहीं चाहिए याउदू बेड़ा। यदि आप कूड़ा का इस्तेमाल करते हैं कोई भी याउदू कूड़ा, इन दोनों में से कौन सा चाहिए, ये एरडरली याउद बेको, कोई भी नहीं चाहिए याउदू बेड़ा अथवा याउदू कूड़ा बेड़ा, याउदू कूड़ा बेड़ा भी बोल सकते हैं, याउदू बेड़ा अथवा याउद कूड़ा बेड़ा। इसमें क्या है, पास में बॉक्स है, इसमें क्या है, इधर इसमें हम इधर रली बोलते हैं, इधर भी हम मैं रली का इस्तेमाल करते हैं, इधर भी हम मैं रली का इस्तेमाल किए, इधर भी मैं हम रली का इस्तेमाल करते हैं। इसमें इधरली क्या है, क्या एनु है इधर, क्या है एनु इधर, एनिदे इसमें क्या है, इधरली एनिदे, इसको हम बात करने का फ्लो में बोलते हैं इधरली एनिदे, उसमें क्या है उसमें अदरली बोलते हैं, इसमें इधरली उसमें अदरली, उसमें क्या है अदरली एनिदे, इसको बात करने का फ्लो में बोलते हैं अदरल एनिदे, इसमें क्या है इधरल एनिदे, उसमें क्या है अदरल एनिदे। प्लेट में खा लो, प्लेट में प्लेट नली, इधर में हम नली का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेट में प्लेट नली, ऐसे प्लेट कर्ण में तट्टे बोलते हैं तट्टे, प्लेट में आप प्लेट नली भी बोल सकते हैं, यदि तट्टे का इस्तेमाल करेंगे आप तट्टे यली बोलते हैं, इधर में यली का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेट में प्लेट नली अथवा तट्टे यली, प्लेट में खा लो, खा लो तिन्नो, प्लेट नल तिन्नो अथवा तट्टेली तिन्नो, तट्टेली तिन्नो, प्लेट नल तिन्नो अथवा तट्टेली तिन्नो, गिलास में पियो, गिलास कनाडा में यदि आपको बोलना है आप ग्लास नली भी बोल सकते हैं, नहीं तो लोटा दल्ली भी बोल सकते हैं, टम्बलर ग्लास इसको कनाडा में लोटा बोलते हैं, लोटा लोटा दल्ली, गिलास में पियो, ग्लास नली कुड़ी, पियो कुड़ी, ग्लास नली कुड़ी, यदि आप लोटा का इस्तेमाल करते हैं आप बोलेंगे लोट दल कुड़ी, ग्लास नल कुड़ी अथवा लोट दल कुड़ी। गाड़ी में, गाड़ी में जा रहे हैं, जा रहे हैं होकती भी बोलते हैं, गाड़ी में इधर में हम यली का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी में गाड़ी यली, कार में बोलना है इधर कार नली बोलते हैं, इधर में हम नली का इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर यली इधर नली, गाड़ी में जा रहे हैं गाड़ी यली होकती थी भी, कार में जा रहे हैं कार नल होकती थी भी, बाइक में जा रहे हैं जब बाइक में बोलना है बाइक नली बोलते हैं, मेट्रो में जा रहे हैं मेट्रो में, इधर में हम दली का इस्तेमाल करेंगे, मेट्रो में मेट्रो दली, तो इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम मे को दल्ली नल्ली यली रली का इस्तेमाल करते हैं, सभी मे में हम दल्ली का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इधर इंग्लिश दल्ली रॉन्ग है, हिंदी दल्ली रॉन्ग है, इधर बरत्ता रॉन्ग है और बरत्ते रॉन्ग है। फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा,
जो भी सीखेंगे सही सीखेंगे, गलत नहीं सीखेंगे, ठीक से सीखेंगे। ठीक से इधर सरियागी बोलते हैं, सरियागी नहीं बोलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगले वीडियो मिलते हैं।